हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के रिगार्डिंग। आज मैं अपने आपके साथ अपने बेटे की बुक्स की कलेक्शंस और जो भी बुक्स उसे पसंद हैं वो बुक्स आपसे शेयर करने वाली हूं। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है, मेरी कोई भी वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज़ किया है डिफरेंट सिक्स पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा लर्निंग से रिलेटेड बुक्स। ये बुक्स आप बच्चे को जब बच्चा 8-9 मंथ्स का होता है तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि उसे ABC सीखना है, लेकिन या 1-2 से सीखना है या कोई भी चीज़ें उसे सीखनी है, वो जस्ट उनकी पिक्चर्स को देख के इन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, उन्हें पहचानना शुरू करता है। तो उसके लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं और इन फ्यूचर वो इन्हें लर्निंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आ जाती हैं सबसे पहले ये स्मॉल साइज़ की बोर्ड बुक्स। इसका कंप्लीट सेट मिलता है, तो ये फ्रूट्स की है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत इजी है इन्हें कैरी करना, आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो इजीली अपने बैग में रख के ले जा सकते हो, बच्चे को बिजी कर सकते हो। इस कैटेगरी में आपको सभी तरह की बुक्स मिल जाएंगी। जैसे मेरे पास जो अभी है वो है फ्रूट्स की बुक, और यहाँ पर पूरी अल्फ़ाबेट्स की बुक है, जिसमें जैसे ए, तो ए से स्टार्ट होने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। इसी तरह कम्प्लीट जेड तक है, तो ये बहुत टाइम से है मेरे बेटे के पास, तो इसकी हालत आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट एक बुक है, तो बहुत हैंडी बुक्स होती हैं। बच्चा खाना खा रहा है उस टाइम आप उसे पकड़ा दीजिए, बच्चा देखते देखते आप उससे क्वेश्चंस कीजिए, बच्चा ऑब्जेक्ट्स को पहचानना शुरू करता है, उन्हें देखना शुरू करता है, तो उसका इंटरेस्ट भी बनता है इन चीज़ों के लिए। तो आप ये बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बच्चे को, जब वो 8-9 मंथ्स का होता है। बिल्कुल हैंडी बुक्स हैं ये, और इसमें बहुत तरह की आपको बुक्स मिल जाएंगी, लाइक व्हीकल्स की बुक मिल जाएगी, एनिमल्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, गुड मैनर्स की, फार्म एनिमल्स की, बर्ड्स की, हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी। और बच्चा बहुत इंटरेस्ट से इन्हें देखता भी है। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बुक, सेट ऑफ बोर्ड बुक्स। या फिर अगर आप इस टाइप की स्मॉल बुक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कुछ बड़े साइज़ की बुक्स लेना चाहते हैं, तो इस टाइप की बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसमें जिस तरह के ये है एनिमल्स, तो ये कंप्लीट बुक एनिमल्स की ही है। तो इसमें एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैं यहाँ पे, लाइक सी एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स हैं, तो ये कंप्लीट, ये भी बोर्ड बुक है। क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तो उन्हें बोर्ड बुक, इनके पेजेस को टर्न करना काफ़ी इजी रहता है, तो बोर्ड बुक काफ़ी इजी होती हैं छोटे बच्चों को उनको पकड़ने के लिए और उनको पेजेस को टर्न करने के लिए। और बच्चे इन्हें फाड़ भी नहीं सकते, या फाड़ के उन्हें मुंह में डाल लेना, इसका भी डर नहीं रहता। तो ये बोर्ड बुक्स अच्छा है अगर आप बोर्ड बुक इंट्रोड्यूस करें जब बच्चा 1 साल से छोटा है, या 1-2 साल तक बच्चे को बोर्ड बुक्स ही इंट्रोड्यूस करें। तो इस टाइप की बुक्स भी आप ले सकते हैं, आप चाहें ये छोटे साइज़ की ले सकते हैं, या फिर बड़े साइज़ में भी पूरा सेट, कंप्लीट सेट मिलता है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। या फिर एक आती है ऑल इन वन माय जंबो बोर्ड बुक, इसमें आपको हर तरह का सभी मिल जाएंगे, मीनिंग इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें हिंदी की वर्णमाला भी है, नंबर भी हैं, और उसके अलावा एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट, प्लांट्स, ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो ऑल इन वन बुक भी इस टाइप में आपको मिल जाएगी, और ये भी एक बोर्ड बुक ही है। तो इसमें स्टार्टिंग में आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, फिर आ जाते हैं इसमें हिंदी की वर्णमाला है, नंबर्स इसमें 10 तक ही हैं, विद ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग के साथ, कलर, शेप्स, माय फैमिली, बॉडी पार्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, सी एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, व्हीकल्स। तो इस तरह से आवर हेल्पर, कम्युनिटी हेल्पर्स, गुड हैबिट्स, तो ये भी बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इस टाइप की बोर्ड बुक भी आप ले सकते हो, जिसमें ये सभी चीज़ें एक ही बुक में आपको मिल जाएंगी, और ये घर पे बैठ के उनको चीज़ें सिखाने के लिए, चीज़ें बताने के लिए कि ये चीज़ें हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट बच्चा बाहर देखता है तो उन्हें रिलेट करता है उन चीज़ों के साथ। उनको कोई याद नहीं करवाना है छोटे बच्चों को, या कोई चीज़ हम ऐसा नहीं करवा रहे कि उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जस्ट वो पिक्चर्स देख के ही वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, तो उसके लिए ये बुक्स काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो इस टाइप की बोर्ड बुक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जब बच्चा 8-9 महीने का, 1 साल का है, और ये इन फ्यूचर भी उनको आगे लर्निंग में हेल्प कर सकती हैं। तो फर्स्ट बुक ऑफ सेट है हमारा इस टाइप की बोर्ड बुक्स, लर्निंग रिलेटेड बुक्स। सेकंड कैटेगरी में आ जाती हैं हमारी राइम्स।
राइम्स भी हम बच्चों को बहुत अर्ली एज में हम स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम मतलब जब बच्चा हार्डली 9-10 महीने का है या उससे भी छोटा है, तो हम उनके साथ राइम्स गाना हम स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा बेशक अभी बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन हम उसके साथ राइम्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चा उन्हें समझना स्टार्ट कर देता है। तो आप जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो आप उसके साथ राइम बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो तो इस तरह से पॉपुलर राइम आपको मिल जाएंगी जिसमें एक पेज पे सिंगल एक राइम है और बड़ी पिक्चर्स हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, तो बच्चा देखता है उन चीज़ों को कि क्या बना हुआ है। कलर सिखा सकते हो आप बुक्स में से, ऐसा नहीं है कि राइम बुक है तो आप उसमें से राइम ही बता रहे हो, कोई भी बुक है उनमें से आप बच्चों को कलर सिखा सकते हो, दिस इज़ अ ब्लैक शिप, ब्लू हैट, तो इस तरह से कलरिंग आप बच्चे को सिखा सकते हो, राइम बच्चे के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, और जो राइम है उसमें उस ऑब्जेक्ट को, उन चीज़ों को पॉइंट कीजिए, तो उससे भी बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखता है। दिस इज़ अ फर्स्ट बुक एंड दिस इज़ अ सेकेंड बुक, माय बिग बुक ऑफ राइम्स, एंड इसमें भी राइम्स हैं, जिस तरह से कंप्लीट एक पेज पे सिंगल एक राइम है, पिक्चर बनी हुई है, इसी तरह से जिस तरह से आप राइम बुक्स भी बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जो बच्चा 1 ईयर का है तो मेरी कुछ आप राइम बुक्स लेके रख सकते हो, मेरे पास अभी सिर्फ ये इंग्लिश में ही है, आपको हिंदी राइम बुक्स भी मिल जाएंगी बहुत इजीली, आपको आपके लोकल स्टोर पे अमेजोन पे आपको हिंदी राइम्स की बुक्स भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से सेकेंड कैटेगरी आ जाती है हमारी राइम बुक्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है स्टोरी बुक्स। अब स्टोरी बुक्स आप बच्चे को बहुत अर्ली एज में आप स्टार्ट ले सकते हैं, बच्चे के लिए स्टोरी बुक्स, जिस टाइम पे बच्चा स्टोरी बुक नहीं पढ़ेगा, आपको बच्चे को स्टोरीज पढ़ के सुनानी है, आपको वो स्टोरीज बुक में से देख के बच्चे को समझानी है। ये चाहे आप बच्चा 1 साल से भी छोटा है, आप 7-8 मंथ के बच्चे के लिए भी इस टाइप की बुक्स ले सकते हैं, जो कि इस तरह से बोर्ड बुक टाइप में भी स्टोरी बुक्स मिल जाती हैं, या फिर पेपरबैक, इस तरह से पेपरबैक भी आपको स्टोरी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, हर तरह की स्टोरी बुक आपको मिल जाए। आप बच्चे को बहुत अर्ली एज में बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब बच्चा हार्डली 7-8 मंथ का है उस टाइम से ही आप बच्चे को, या उससे भी अर्ली एज में कुछ पेरेंट्स करवा देते हैं बच्चे के साथ स्टोरीज पढ़ना, बच्चे को स्टोरीज पढ़ के सुनाना, पिक्चर्स देख। अर्ली एज में बच्चे के साथ स्टोरी बुक्स पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है कि ये बच्चे और आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी इन्हेंस होती है, बच्चे का बुक्स के लिए बच्चे का प्यार होता है, बच्चा बुक्स को पसंद करने लगता है, इमेजिनेशन बच्चे की बहुत अच्छी होती है, डेवलपमेंट उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेज स्किल्स सीखता है, उसकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है। तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे हैं बच्चे को अर्ली एज में बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करने के, और आप जब बच्चे के लिए आप पढ़ रहे हैं तो उसके ही ये फ़ायदे हैं सभी, कि आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बुक्स के साथ। तो आइए बताती हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं मेरे बेटे के पास। स्टोरी बुक्स में सबसे फर्स्ट हमारी आ जाती है द वेरी हंग्री कैटरपिलर बाय एरिक कार्ले। तो ये बहुत फेमस बुक है, आप में से बहुत से पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास ये बुक होगी, और मेरे पास ये पेपरबैक में है, इसी तरह की आपको हार्ड कवर में या फिर बोर्ड बुक भी आप मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ईजीली आपको मिल जाएगी। तो ये बुक है जिसमें एक स्मॉल सी स्टोरी दी हुई है कैटरपिलर की, लाइक एक आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक स्टोरी है, या फिर आप ये बोल सकते हैं इसमें एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बताया हुआ है, इस तरह से आपको बच्चे को बता सकते हैं, इसमें से आप बच्चे को कलर्स सिखा सकते हैं, बच्चे को इंसेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, इसमें बच्चे को आप डेज ऑफ द वीक सिखा सकते हैं, बच्चे को ऑब्जेक्ट काउंटिंग बता सकते हैं, देयर इज़ 1 एप्पल, हाउ मैनी पियर, 1, 2, देयर आर 2 पियर्स, पलम्स। तो इस बुक की बहुत ज़्यादा इंट्रो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत फेमस बुक है, तो आप में से बहुत के पास ये बुक होगी। तो इस बुक को आप बहुत तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुक है तो उसमें स्टोरी है, हमें स्टोरी ही पढ़ के सुनानी है, बुक में से आप और चीज़ें निकालिए बुक में। यहाँ पे जैसे अब 4 स्ट्रॉबेरीज मैंने बताया, तो बच्चे को आप काउंट करके बताइए कि इसमें 4 स्ट्रॉबेरीज हैं, और कैटरपिलर कैसे यहाँ से आया, उसने एप्पल के इनसाइड गया, एप्पल ईट किया, फिर यहाँ से बाहर आया, देन उसने नेक्स्ट 2 पियर्स ईट किए, फिर वो पियर्स में से निकल के बाहर आया। तो इस तरह से बच्चा बहुत अंगेज होता है इन चीज़ों के साथ, तो इस तरह से आप इसके साथ में कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इनके क्या नेम है वो बच्चे को सिखा सकते हैं, और देन लास्ट में जब जो कैटरपिलर है वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन के बाहर निकलता है कोकून से। तो इस टाइप में ये बुक है, तो ये फर्स्ट बुक है हमारे द टाइगर हु केम टू टी। इसमें एक स्टोरी है
बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही सुंदर इलुस्ट्रेशंस हैं। मेरे बेटे को ये बुक बहुत पसंद है। एक लड़की है सोफ़ी एंड उसकी मदर है जो कि चाय पी रहे हैं, और देन उनके घर में एक डोबेल बजती है तो वो सोचते हैं कि कौन है। और जब सोफ़ी के अपना डोर ओपन करती है तो वहाँ एक टाइगर आता है। टाइगर उनके साथ किस तरह से चाय पीता है और फिर उनके घर में क्या क्या होता है जब वो टाइगर आ जाता है, तो इस टॉपिक के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। और बहुत ही सुंदर इलुस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं। स्मॉल सी स्टोरी है लेकिन उनकी पिक्चराइजेशन इतनी अच्छी है। पूरे पेज पे थोड़ी से सेंटेंसेस लिखे होते हैं, इससे बच्चा बहुत इंटरेस्ट लिखता है। बच्चा देख रहा है कि टाइगर आया घर में तो कैसा होगा, क्या होगा, तो बच्चे को इंगेज सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के बारे में है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियोस में मैंने प्लैनेट्स के बारे में भी, मेरी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई थी और वर्कशीट्स भी मैंने इंट्रोड्यूस की हैं। तो किस तरह से मैंने अपने बेटे को प्लैनेट्स के बारे में सिखाया, वो भी उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तो ये बुक उसका कारण है। बहुत ही सिंपल बुक है और बहुत ही रीजनेबल रेट पर, हार्डली मुझे 125 रुपीज़ की ये बुक पड़ी है अमेज़ोन पर। और बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है जिसमें ये दो बच्चे हैं और उनके फादर हैं, और वो किस तरह से उनके फादर उन्हें प्लैनेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्लैनेट्स का सारा बताते हैं और किस तरह से पूरा सोलर सिस्टम उन्हें समझाते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत इजीली बच्चा इसमें से प्लैनेट्स के बारे में सीखता है, प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में सीखता है, काफ़ी चीज़ें। हार्डली बहुत छोटी सी बुक है, 10 पेजेज होंगे, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद मुझे भी नहीं पता थी, तो वो भी मुझे यहाँ से पता लगी है। तो नेक्स्ट बुक है हमारी द सोलर सिस्टम प्लान। नेक्स्ट है जिराफ कैन नॉट डांस, द टाइगर हु केम टू टी एंड द वेरी हंग्री कैटरपिलर। बहुत ही फेमस बुक्स हैं और बेस्ट सेलिंग बुक्स जिसे हम बोल सकते हैं, अमेज़ोन पे बेस्ट सेलिंग बुक्स में इनका नेम आता है। तो बहुत अच्छी बुक्स हैं ये कलेक्शन, ये बुक्स तो आपके बच्चे के पास मस्ट हैव जिसे हम कह सकते हैं, होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बुक्स हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इनमें। तो आइए बात करते हैं जिराफ कैन नॉट डांस के बारे में। एक स्टोरी है जिराफ के बारे में, तो एक स्टोरी है एक जिराफ के बारे में जो कि बहुत जिराफ एक डांस कंपटीशन में पार्ट लेने जाता है, जंगल डांस होता है जहाँ पे उसे सभी एनिमल्स को डांस करना है। लेकिन जिराफ जो है अपनी लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स के कारण डांस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन एट द एंड कुछ ऐसा होता है कि जिराफ भी डांस करने लग जाता है और बहुत अच्छा डांस करता है और उस डांस कॉम्पिटिशन का एक तरह से विनर बन जाता है। तो इस बारे में स्टोरी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स यहाँ पे हैं। बच्चे को आप इसमें से कलर सिखा सकते हैं, इसमें से एनिमल्स बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बुक जैसे एक चीज़ है तो उसको एक ही तरह से आपको यूज़ करना है, आपको सिर्फ स्टोरीज है तो स्टोरी के लिए ही यूज़ करना है। आप उसी बुक में से और चीज़ें निकाल सकते हैं। इस बुक की जैसे ये बुक है इसमें से हम एनिमल्स सीख सकते हैं, हर बुक में से आप बच्चे को कलर्स तो सिखा ही सकते हैं। कलर्स के अलावा आप उसमें जिस भी टॉपिक की बुक है आप फ्लावर्स सिखा सकते हैं, आप एनिमल्स सिखा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट आप बुक देखिए किस टॉपिक की बुक है उससे रिलेटेड चीज़ें आप बीच में से निकाल सकते हैं। उतना क्रिएटिव आपको खुद होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरी एक स्टोरी है। तो एट द एंड जिराफ बहुत अच्छा डांस करने लग जाता है और उसका विनर बनता है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, जिराफ कैनॉट डांस। नेक्स्ट है 101 पंचतंत्र स्टोरीज। ये इसमें 101 शॉर्ट स्टोरीज हैं, लाइक इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज हैं। और भी बहुत फेमस स्टोरीज जो हमने अपने बचपन में सुनी है वो सभी स्टोरीज इसमें हैं, और जब हम बेटे को सुनाते हैं अपने तो वो उसे याद रहता है कि ये, तो खुद बोलेगा कि मम्मा मुझे ये वाली स्टोरी सुननी है। अब तो ये भी है इस तरह से 101 स्टोरीज की कलेक्शन है। तो पंचतंत्र स्टोरीज इसी तरह से एक और है, 5 मिनट पंचतंत्र स्टोरीज। दिस वन हार्ड कवर बुक है इसकी, और इसमें थोड़ी सी स्टोरीज हैं, 9 to 10 स्टोरीज हैं इसमें। जैसे फर्स्ट स्टोरी है द ब्लाइंड वॉल्चर, और इसमें ब्यूटीफुल पिक्चर्स दी हुई हैं। लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, अगर बिगनर लेवल का रीडर है, मीनिंग स्टार्ट किया है, बच्चों ने जस्ट पढ़ना अभी स्टार्ट ही किया है, रीड करना अभी स्टार्ट किया है, तो ये सभी बुक्स उसके लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ ये बुक है जिसकी वोकैबुलरी है, जिसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जिसका कभी कभी मीनिंग हमें भी देखना पड़ता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा रीड करना इसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाकी सभी बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से द ब्लाइंड वॉचर, तो ये बुक है। इसी तरह से द क्लेवर हेयर,
ये कंप्लीट बुक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज हैं, और इनकी इसी की कलेक्शन में और भी हैं, जैसे ये वाली जो मेरी बुक है 5 मिनट पंचतंत्र स्टोरीज़ है, इसी तरह से 5 मिनट फेरी टेल है, 5 मिनट बेड टाइम स्टोरीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको हर तरह की मिल जाएंगी, और इसमें भी आपको बहुत सी कलेक्शन है इनकी, तो ये सभी तरह की बुक्स आप देख सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको अमेज़ोन पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। जो जिन भी बुक का लिंक मुझे, काफ़ी बुक्स तो मैंने अमेज़ोन से ही मंगाई हैं, लेकिन जो बुक्स मेरी अमेज़ोन से नहीं भी हैं, अगर मुझे उनका लिंक भी अमेज़ोन पे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूंगी। तो ये दो बुक्स हैं हमारी पंचतंत्र की स्टोरीज़। नेक्स्ट बुक मेरे बेटे की बहुत ही फेवरेट, डैनी एंड द डायनासोर, साइड हॉफ की बुक्स। इसका मैंने पूरा एक रिव्यू दिया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बुक इस तरह से बैग में आएगी, और इसके अंदर इस तरह से फाइव बुक्स की एक कलेक्शन है, इस टाइप में, इस तरह से फाइव बुक्स की एक कलेक्शन है कंप्लीट, जिसमें ये एक इंट्रोडक्शन बुक्स है कि दिस इज़ अ डैनी और उसका फ्रेंड है डायनासोर, तो डैनी डायनासोर से कैसे मिलता है, कि फिर वो मिल जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या क्या होता है इसके बारे में। इसी तरह से एक बुक है इसी में, हैप्पी बर्थडे डैनी एंड द डायनासोर, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। इसमें है डैनी एंड द डायनासोर एंड द न्यू पप्पी, तो डैनी को एक न्यू पप्पी मिलता है, तो किस तरह से उनके साथ पूरा दिन स्पेंड वो करता है। डैनी एंड द डायनासोर गो टू द कैंप, कैंप के बारे में है। डैनी एंड डायनासोर कैंप में जाते हैं, कैंप में क्या क्या होता है, कैसे वो फन करते हैं, इसके ऊपर है। और इसी तरह से है डैनी एंड द डायनासोर टू टॉल, इसमें क्या है कि डैनी शॉर्ट है एंड छोटा है अभी, और जो डायनासोर है बहुत टॉल है, तो उसकी वजह से वो सैड होता है, लेकिन फिर किस तरह से फिर एट द एंड उसे अच्छा लगता है कि मैं टॉल हूँ तो उसमें को फ़ायदा है उससे। तो इस तरह से फाइव बुक्स के कलेक्शंस हैं, और बहुत ही अच्छी है ये। बिगनिंग वन रीडिंग बुक है, आई कैन रीड मीनिंग बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। शुरू में आप बच्चों को पढ़ के सुनाइए, जब बच्चे खुद रीड करना स्टार्ट करेंगे उस बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। इसी की मैंने एक बुक और अभी ऑर्डर की है, मेरी आने वाली हैं अभी कुछ बुक्स, तो वो जब भी आएंगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। साइड हॉफ का ही है वो भी, कैट की एक कलेक्शन है पूरी, मैं उसका लिंक ज़रूर मेंशन करूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो भी इसी तरह एक फाइव सेट में बुक्स आएंगी। इसके बाद आ जाती है गुड नाइट इंडिया। ये कोई एक स्टोरी बुक मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में इसमें बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये कश्मीर का बताया हुआ है, कश्मीर है, कश्मीर की ये डल लेक है, देन इसमें हाउस बोट्स हैं, हाउस बोट्स वाटर के ऊपर हैं, इस तरह से। तो एक स्टोरी के टाइप में आप बच्चे को स्टोरी बना के उसकी खुद आप बच्चे को सिखा सकते हो। और इंडिया की डिफरेंट इसमें बहुत सी कलेक्शन है, गुड नाइट इंडिया है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में भी है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर भी है। तो मुझे गुड नाइट इंडिया ही चाहिए थी, तो वही मैंने मंगाई थी। तो इसमें इसी तरह से गोल्डन टेंपल के बारे में है, और दिल्ली के बारे में है, कैपिटल ऑफ दिल्ली, और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा बेटा उसे कभी दिल्ली लेके नहीं गए हैं, लेकिन उसे यहाँ से देख के काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, ये चीज़ें जो हैं ये दिल्ली में हैं। इसी तरह से पिंक सिटी ऑफ उसे पूछो कि ये व्हाट इज़ दिस, ये कौन सी जगह है, तो वो बताता है पिंक सिटी ऑफ जयपुर, ब्लू हाउस ऑफ जोधपुर। तो ये काफ़ी चीज़ें उसने यहाँ से सीखी हैं, ताजमहल। ये भी बहुत अच्छी बुक है अपने बच्चों को अपने इंडिया से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, कि इंडिया की कौन कौन सी जगहें फेमस हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छी बुक है ये, गुड नाइट। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एक्टिविटी बुक, जो है कि ब्रिलियंट ब्रेन एक्टिविटी बुक, और वो इस तरह से है। इसका भी पूरा एक रिव्यू मैंने दिया है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। इसमें क्या है कि एक सिंगल पेज के ऊपर इस तरह से 4 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, और तो ये कंप्लीट बुक के अंदर 292 एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चे के साथ बैठ के आप कर सकते हैं। एज मेंशन डिफरेंट डिफरेंट की हुई है, जैसे इसमें एज 3+ है, मेरा बेटा अभी 3 साल का नहीं है, लेकिन मैंने उससे पहले ही उसके लिए मंगा ली थी, वो अभी 2.89 का ही था जब मैंने ये इंट्रोड्यूस की थी उसे, और बहुत ईजिली बहुत फन वे में उसे लेके करता है। और इसमें हर एज के लिए है, एज 3+ के लिए है, 4+, 5+, 6+ एंड 7+, हर एज कैटेगरी के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप ये भी लिख सकते हो, इस टाइप में देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं।
एक्टिविटी बुक में ही आप पेंसिल कंट्रोल बुक भी है एक मेरे पास, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टार्टिंग में पेंसिल्स होल्ड करना और पेंसिल के साथ ट्रेसिंग करना सीख रहे होते हैं उस टाइम के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो पेंसिल कंट्रोल बुक। जैसे स्टैंडिंग लाइन्स हैं तो यहाँ पे ऊपर ये दिए हुए एप्पल, देन एप्पल को ऐसे ट्रेस करके वो नीचे तक जाना है, बी है स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, इसी तरह से एनिमल बने हुए हैं, एनिमल को फूड तक लेके जाना है, उनको फूड सर्च के, डॉग को उसके हाउस होम तक लेके जाना है। तो इस तरह से बच्चा इसमें पेंसिल चलाना सीखता है। तो ये बुक भी अच्छी है काफ़ी, बहुत इंटरेस्ट से मेरा बेटा करता है, जब उसका ट्रेसिंग मेनली ट्रेसिंग के लिए है, कर्व लाइंस हैं, इसे पूरा ट्रेस करके एक शेप बनाना है, आप बाद में कलरिंग कलर कर सकते हो इसको। इसी तरह से यहाँ पे नंबरिंग है, 1, 2, 3 ज्वाइंट करना है, पूरा एक हट बन जाएगा। तो इस तरह से तो एक्टिविटी बुक्स जो है अभी दो है मेरे बेटे के पास, एक ब्रिलियंट ब्रेन और एक है ये पेंसिल कंट्रोल। तो कलरिंग बुक्स आप नॉर्मली इस टाइप की कलरिंग बुक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों को इस तरह से, और कलरिंग बुक्स जब बच्चा एक साल का है तब से कर सकते हो, जब वो उसकी पेन चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है तब से आप तब दे सकते हो, आप कलरिंग बुक्स दे सकते हो या फिर सिंपल पेजेस दे सकते हो शुरू में बच्चों को। इस तरह से आप कलरिंग बुक भी ले सकते हो, ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगाई है। इसका एक और फ़ायदा है कि जैसे ए तो ए से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने हैं, बी तो बी के अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, सी डी, इस तरह पूरी बुक ये जेड तक है, तो जेड तक हर अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं, वो भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट लास्ट में ये रिवीजन के लिए कुछ दिए हुए अल्फ़ाबेट्स, तो ABC कलरिंग बुक। इसके अलावा लोकल मार्केट में भी आप बहुत इजीली इस तरह की बुक्स ले सकते हो, जो बच्चा बहुत छोटा है तो आप ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें एक सिंगल पेज पे एक ऑब्जेक्ट बना हो, मीनिंग बीच में कुछ और नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें सिंपल कलर करना है, बच्चा स्क्रिबलिंग करता है, जैसे कर रहा है उसे करने दीजिए, उससे बच्चा ये बिल्कुल स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट बुक जो मैंने अपने बेटे के लिए ली थी कलरिंग बुक यही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि उसने क्या क्या किया हुआ है, ये सभी कलर्स उसने की नहीं किए हैं, जो प्रॉपर कलरिंग है वो हमने उसके साथ बैठ के किए, हम करते हैं, हमें देख के बच्चा कलरिंग बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा देखा कि आप इस तरह से कार्डबोर्ड की हेल्प के साथ भी अपनी बुक्स बना सकते हो। तो जैसे मुझे बी के बारे में बेटे को सिखाना था तो कलरफुल हनी बी इस टाइप की एक बुक बनाई, खुद से कलरिंग किया, आप देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को एक शेप में कटिंग किया, जो भी टेक्स्ट चाहिए था वो लिखा, पिक्चर्स ड्रॉ की, तो किस तरह से हनी बी जो है उन्हें हनी बहुत पसंद है, वो हनी कैसे कलेक्ट करती हैं, हनी कलेक्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के पास जाती हैं। तो कार्डबोर्ड एक तरफ प्लेन था और एक तरफ इस पे कुछ टेक्स्ट था, तो उस एरिया पे मैंने वाइट पेपर लगाया और इस तरह से एक बुक क्रिएट की है हनी बी के ऊपर। तो इस टाइप में भी आपको जो भी स्टोरी बच्चे को बतानी है आप कार्डबोर्ड की डिफरेंट टाइप में आप सर्कल, स्क्वायर, हार्ट, किसी भी शेप में उसे कट करके और पंच करके इसमें यहाँ पे मैंने थ्रेड यूज़ किया और ये डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपनी बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे बेटे की बुक कलेक्शन, और धीरे धीरे हम इसमें और बुक्स ऐड करते रहते हैं, मैं ट्राई करती हूँ मैं हर 1 month या हर 2nd month में या हर 2 महीने के बाद मैं एक या दो बुक्स ज़रूर उसके लिए परचेज, बहुत इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों से बुक्स के साथ, अब उसे खुद याद रहता है कि मेरी ये बुक्स हैं और मुझे इस बुक से पढ़ना है या मुझे कौन सी बुक से आज पढ़ना है। तो आई होप कि आप भी बच्चों को उनके इस ब्यूटीफुल वर्ड के साथ, बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए जितनी अर्ली एज में आप हो सकते हो। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, आपको हमारी कलेक्शन कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।